Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about creating and publishing web pages, blog. The term blog refers to online diary. अपन ये कहते हैं कि blog का मतलब यहाँ पे क्या होता है, online diary है. Blogs are used to create personal web pages by non-technical and technical users. कि यहाँ पे blog का यूज कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पर्सन है, ये यूजर है, वो कर सकता है. यूजर्स कैन इजीली शेयर देयर कमेंट थॉट्स एंड कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट्स न्यूज एटसेट्रा. बाय यूजिंग ब्लॉग कोई भी यूजर अपने कमेंट, अपने थॉट्स या कोई मैसेज कन्वे कर सकता है जो इवेंट से रिगार्डिंग हो सकता है या न्यूज से रिगार्डिंग हो सकता है. द पर्सन हु मेंटेन ए ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर. वो पर्सन जो ब्लॉग को मेंटेन करेगा, उसे बनाएगा, पब्लिश करेगा, उसे अपन कहते हैं ब्लॉगर. ब्लॉग आर द टेक्सचुअल आर्टिकल बट मे इवन हैव फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड ऑडियोज एटसेट्रा. जनरली ब्लॉग में टेक्सचुअल मैटर होता है, पर इसमें फोटोग्राफ्स, वीडियो या ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं. द टर्म वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग मीन्स ब्लॉग. द टर्म वेब ब्लॉग वॉज कॉइंड बाय जॉन बर्जर इन 1997. जो वेब ब्लॉग है उसका सबसे पहले यूज है 1997 में किया गया था जॉन बर्जर के द्वारा. सम ऑफ पॉपुलर वेबसाइट दैट आर ऑफर फ्री ब्लॉग सर्विसेज आर एज फॉलो: www.wordpress.com, इसके माध्यम से भी आप ब्लॉग बना सकते हैं. www.blogger.com, इसके माध्यम से भी ब्लॉग बना सकते हैं. इसके अलावा www.blogsome.com या फिर www.blog.com, ये ब्लॉग बनाने के लिए वेबसाइट. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग ए ब्लॉग अकाउंट. टू क्रिएट ए ब्लॉग अकाउंट, ओपन ए वेब ब्राउजर ऑन योर कंप्यूटर. सबसे पहले अपन अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या फिर मोजिला जो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. देन टाइप ऑफ वेब एड्रेस www.wordpress.com, ये एड्रेस अपन अपने एड्रेस बार में टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड बटन, और अपन क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड बटन पर. नेक्स्ट आपके सामने विंडो कुछ इस प्रकार की आएगी, जिसमें आपके सामने होगा योर ईमेल एड्रेस, योर यूजर नेम एंड चूज ए पासवर्ड. यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे, अपना यूजर नेम जिस नाम से आप बनाना चाहते हो अपना wordpress.com के ऊपर, अपना जो आईडी बनाना चाहते हो वो नेम, और उसके साथ ही साथ पासवर्ड. देन इसमें ये आता है कि यहाँ पर अपने पास कुछ एक ऑप्शन है जिसमें आएगा ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस क्या काम आएगा? When your WordPress blog is created, an activation link will be sent to you from WordPress. जैसे आपका wordpress.com के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद में आपके साथ आपका जो ईमेल होगा उस पर आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें एक एक्टिवेशन लिंक होगा, जिस पर आप क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है यूजर नेम. यूजर नेम इज यूज टू मैनेज योर ब्लॉग, कि आप अपने ब्लॉग को मैनेज करने के लिए एक यूजर नेम बनाते हो जो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है. नेक्स्ट आता हुआ था पासवर्ड. इट इज़ यूज टू सिक्योर योर वर्डप्रेस ब्लॉग अकाउंट, अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए अपने पास पासवर्ड होता है. नेक्स्ट आता है वो आता है ब्लॉग एड्रेस. ब्लॉग एड्रेस द एड्रेस विच अदर यूजर विल यूज टू व्यू योर ब्लॉग. अदर यूजर है वो आपके एड्रेस को लेकर आपको सर्च कर सकते हैं, आपका जो भी आपने कंटेंट डाले उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन. ये सब आप इंसर्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं. नाउ ओपन योर ईमेल एंड चेक फॉर द लिंक टू एक्टिवेट योर ब्लॉग अकाउंट. देन आप क्या करोगे, अपना ईमेल ओपन करोगे और देन एक्टिवेट करोगे अपने लिंक को, मतलब आप अपने लिंक पर क्लिक करोगे और आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करोगे. क्लिक द एक्टिवेशन लिंक, योर ब्लॉग विल बी एक्टिवेटेड. आपका ब्लॉग क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा.
द वर्डप्रेस ब्लॉग अकाउंट पेज विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। जैसे आपका ये एक्टिवेट होगा उसके बाद में आपके सामने आपका अकाउंट का जो पेज होगा वो आपके सामने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जो कुछ इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट आपके आता है कि हाउ टू क्रिएट ए पोस्ट, जनाब पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये न्यू पोस्ट का बटन है, इस पर क्लिक करोगे ओके, देन अपने सामने यही फील्ड आती है टू क्रिएट ए पोस्ट, क्लिक ऑन द न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी पोस्ट बनानी है, जो भी आपको कोई भी आपको जो भी अपना कंटेंट डालना है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट बनाओगे और देन आप क्लिक करोगे पब्लिश बटन पे ओके। देन अपन को क्या करना है, क्लिक करना है पब्लिश बटन पे, तो प्रोवाइड ए यूनिक टाइटल, यूनिक टाइटल आप इंसर्ट करोगे, देन टाइप योर कंटेंट एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन पब्लिश। आप पब्लिश बटन पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, जैसे आप पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो आपका जो पोस्ट है वो आपका पब्लिक हो जाएगा।